सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत दोस्तों। बात तकरीबन आज से 6 साल पहले की है, जब मैंने फेसबुक पर एक दिन यूं ही प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब को किसी दोस्त के साथ में देखा। मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि ये वही इंसान है जिनकी किताब मैंने पढ़ी थी पंजाब के बंटवारे को लेके। तो सबसे पहले तो मैं वो किताब आपको दिखा दूं, उसके बाद की जो बात है वो हम आगे करते हैं। ये वो किताब है दोस्तों, पंजाब ब्लडीड पार्टिशन्ड एंड क्लेंस्ड। ये किताब जब मैंने पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बचपन से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे को लेके बहुत सारी कहानियां लोगों की जबानी सुनी थी। दिल में एक बात हमेशा रहती थी कि सच कहां पर छिपा हुआ है। किसी पाकिस्तान के इंसान से बात करो तो वो ये कहते थे कि जी आपकी तरफ से सारे फसादात हुए, इंडियंस कहते हैं जी पाकिस्तानियों ने किए, मुसलमानों ने हम पर जुल्म किए। फिर डॉक्टर साहब की जब किताब आई तो उसने हर एक शक को दूर कर दिया, हर वो बात जो इंसान सोच सकता है कि जी सच्चाई कहाँ छुपी हुई है, तो सच्चाई को ढूंढ निकाला। हजारों लोगों के इंटरव्यूज किए डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद उन्होंने ये किताब लिखी जो अब हिंदी में भी उपलब्ध है। तो अगर आप में से कोई दोस्त पढ़ना चाहें तो मैं बता दूं कि किताब का नाम है 1947 में पंजाब का बंटवारा, एक त्रासदी हजार कहानियां। खुफिया अंग्रेजी रिपोर्टों और चश्मदीद गवाहों द्वारा 1947 की त्रासदी का खुलासा। तो मैंने एक रात यूं ही डॉक्टर साहब को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, एक दोस्त के जरिए एक पैगाम भेजा कि मैं इंटरव्यू करना चाहता हूं इनका। तो देर रात डॉक्टर साहब से बात हुई तो मैंने उन्हें बताया कि सर आपकी किताब जो है दोनों मुल्कों के दरमियान रिकंसिलिएशन का जो प्रोसेस है उसमें अहम किरदार अदा कर सकती है, मुफाहमत का, सुलह का जो प्रोसेस है वो काम आप और हम मिलके कर सकते हैं। डॉक्टर साहब को बड़ी खुशी हुई तो मैंने उनसे अर्ज किया कि सर आए हिंदुस्तान की तारीख को हम जो है अपने प्रोग्राम्स के जरिए आवाम तक पहुंचाते हैं, लाखों की तादाद में हमारे प्रोग्राम्स को देखा गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर, और उसी का नतीजा है कि मैं ये प्रोग्राम करता हूँ सरहद के उस पार। और इसके सबसे पहले जो मेहमान थे वो डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब थे। आज डॉक्टर साहब ने हमें फिर से ज्वाइन किया है, लेकिन इस दफा हिंदुस्तान से ज्वाइन किया है जहां वो पूरे मुल्क के दौरे पर निकले हुए हैं। जहां भी जा रहे हैं वहां हजारों की भीड़ में लोग इनका स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं एक एहसास होता है कि जो पौधा आज से 6 साल पहले हमने लगाया था वो अब पेड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और ईस्ट और वेस्ट पंजाब के जो लोग हैं वो आपस में 1947 के जो खौफनाक यादें हैं उनको भुला के आगे बढ़ना चाहते हैं। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब का। वेलकम टू द शो सर। बहुत बहुत अरविंद, शुक्रिया आपका। बिल्कुल, ये बूटा तभी लगा था जब हमने ये गुफ्तगू शुरू की थी, और मुझे याद है कि लेट नाइट एक कॉल आई थी। मैंने कहा यार ये कोई टाइम है कॉल करने का, लेकिन वी एग्रीड टू टॉक, और वो टॉक ऐसी बुनियाद बनी कि वो गुफ्तगू चलती गई। और ये पंजाब की पार्टीशन के ऊपर जो मेरा काम है वो आवाम तक भी पहुंचना शुरू हो गया, और अब मैंने मसलन वेस्ट पंजाब का तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उस किताब की अथॉरिटी सब मानते हैं। और जब मैं हिंदुस्तान में आया तो एक्चुअली मुझे महाराष्ट्र ने बुलाया। आने की वजह जो है वो वहाँ की एक 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, वसंत वेख्यन माला, द स्प्रिंग लेक्चर सीरीज। तो वो 100 साल से ये कर रहे हैं, और उसके अंदर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बड़े बड़े नाम, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, इनको वो बुलाते रहे हैं। इस साल उन्होंने कहा 100वें साल आप आए। तो जो टॉपिक हमने लिया वो इस किताब का जो तुमने रिजल्ट निकाला है ना, कि दोनों तरफ से ये 47 में एक जुनून जो है वो उभरा, और तीनों जो मेजर कम्युनिटीज थी, हिंदू, मुस्लिम और सिख,
जो अवाम है उनके ऊपर हमले किए गए और अवाम करने वाले भी तीनों ग्रुप्स के लोग थे। तो जो मेरी आर्गुमेंट थी कि इसके अंदर कोई अब्जॉल्व नहीं होता और किसी पे अकेले पे जुर्म आयद नहीं होता, और 75 साल गुजरने के बाद, ये अब 76 साल जा रहा है, मुझे बहुत यकीन है कि एज आई गो थ्रू इंडिया और पंजाब में तो जाहिर है इसका इम्पेक्ट जो हो रहा है वो तो आप रोज़ देख रहे हैं, क्योंकि मैं पिक्चर्स भी लगाता जा रहा हूँ एवरी डे। और कल मैं मसलन यहाँ पे मैंने चंडीगढ़ में शुरू किया, वो दो तीन दिन कई महफ़लें हुई, इतनी दोस्तियाँ बनी, और फिर पटियाला आ गया, वहाँ मसलन दो नाम मैं चंडीगढ़ में लेना चाहता हूँ, गुरप्रीत सिंह जी और मनमोहन सिंह, जिनके होटल में मैं रहा। और इसके पीछे इनिशिएटिव था हमारे एक दोस्त जो रहते हैं ह्यूस्टन में, बलजीत सिंह कटियाल, ये उनके दोस्त हैं, मुझसे मिले तो वहाँ पे बहुत मुलाकातें हुई। और रंजीत पवार जो राइटर हैं, खुद बड़ी नॉवलिस्ट हैं, उनसे भी मुलाकात हुई, उनके घर भी जाना, इस तरह ही कई और अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। फिर मैं आ गया पटियाला, पटियाला में तो फिर मेरे दोस्त जो हैं बलजीत अम्मी जो डायरेक्टर हैं ये मल्टीमीडिया रिसर्च के ऊपर पंजाबी यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला में, उनके ज़रिए फिर वाइस चांसलर अरविंद और बाकी कोलीग्स ने भी पब्लिक वो अपना एकेडमिक मीटिंग्स हुई, वहाँ पे एक दूर दराज कॉलेज में भी हम गए, हर जगह पे वहाँ पे मेरी इंटरव्यू भी रिकॉर्ड हुई पार्टीशन के मुतल्लिक। तो वो भरपूर पटियाला में। फिर मैं आ गया लुधियाने, प्रोफेसर अमरजीत हेयर हैं, इंग्लिश के रिटायर्ड प्रोफेसर, जिनकी मेरी बात फ़ोन पे होती रहती थी व्हाइल आई वाज इन स्टॉकहोम, उनका मैं मेहमान था। और कल मैं उसी एक क्या कहते हैं कॉलेज में गया, गुजरांवाला गुरु नानक खालसा कॉलेज, जो असल में 1943 में मियां अब्दुल हई ने, ये प्रॉपर्टी उनकी थी, जो 1937 की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना, उसके वो एजुकेशन मिनिस्टर थे और वो यहाँ से ही थे अपना जालंधर से। और क्योंकि मेरी भी अराई बरादरी है और ये भी अराई बरादरी है, तो मुझे इसकी बहुत खुशी हुई कि उस शहर में भी बहुत बड़ा इनका एक फलाही काम यानी वेलफेयर का काम था। इनकी 3-4 कोठियाँ थी, लॉयर थे, एक कोठी इन्होंने पूरी दे दी थी। ये मुझे इसकी हिस्ट्री मुझे वहाँ पे प्रोफेसर हायर ने बताई कि ये इस तरह था। फिर 43 हो गया, वो चले गए, अब वहाँ पे ये कॉलेज है। तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सारा इंटेलेक्चुअल जो है लुधियाने के तकरीबन आए हुए थे। अब नाम लेना हो तो उसमें ये है डर, कोई ना कोई आप बहुत करीबी दोस्त को भूल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे मुझे दोबारा बहुत सालों के बाद भगत सिंह के नेफ्यू जो हैं भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह से दोबारा मुलाकात हुई। 2013 में मैं मिला था उनसे, फिर दोबारा मुलाकात हुई। और कई लोग आप देखें, गुरप्रीत तूर DIG रिटायर्ड पुलिस, वो बहुत बड़े राइटर भी हैं, उनके साथ भी बहुत प्यार हो गया। और मिस्टर गिल, गुरभजन गिल, और ये मुझे सारे एकदम लगता है कि मैं जैसे लुधियाने का ही हो गया। लेकिन अगले दिन फिर मैं आ गया कल शाम को जालंधर, जहाँ पे अजीत जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है उनके एडिटर SS मानक, उन्होंने मुझे यहाँ इन अ वेरी फाइन होटल इम्पीरियल होटल में होस्ट किया हुआ है। आज 11:30 बजे मेरी अपना जालंधर पंजाब प्रेस क्लब में इंटरेक्शन होगी। इसके बाद मैं
अमृतसर चला जाऊंगा, 5:30 बजे शाम को अमृतसर में होगी। अगले दिन मैं पठानकोट चला जाऊंगा, जहां पे दिनेश महाजन जी हैं। दिनेश महाजन जी की और मेरी दोस्ती भी कुछ कई सालों पुरानी है। इनकी जो बेटी है वो ब्याही हुई है अपना स्टॉकहोम में, और तब से हमारी मुलाकात है। आया करते थे, हमारे वीकली लंच में हिस्सा लेते थे, और फिर इनकी मेरी बहुत करीबी दोस्ती हो गई। तो वो मुझे ले जाएंगे अपने पास, वहाँ पे उनकी बड़ी कल्चरल इवेंट है। तो 4 की शाम को पठानकोट में आई विल बी स्पेंडिंग, और 5 को फिर शाम को 7 बजे आई विल फ्लाई बैक टू दिल्ली। और फिर दिल्ली में कई प्रोग्राम है अभी, तो एक तो दिल्ली के अंदर है, और दिल्ली से बाहर कलकत्ता जाना पड़ेगा, अलीगढ़ जाना पड़ेगा, लखनऊ जाना पड़ेगा, और गाज़ियाबाद रोहतक से भी इन्विटेशंस हैं। सो वहाँ जाके फैसला होगा कि क्या करना है। देन आई थिंक आई विल मूव फ्रॉम दिल्ली साउथवर्ड्स, और बेंगलोर, हैदराबाद और गोवा में भी इन्विटेशंस हैं। एंड फिर वापस जाते हुए शायद पुणे में दोबारा और मुंबई में, लेकिन बेस मेरी नासिक में बनेगी, जहाँ पे मैं पहले आया, और अजय मधुकर तोशनीवाल, जिन्होंने ये सारा मुझे इनवाइट किया था इस फाउंडेशन की तरफ से, वसंत व्याख्यान माला की तरफ से, मैं फिर उनसे मिलूँगा। और वहाँ पे संजय संगले और राजू जी पुणे में ज़रूर मिलूँगा, और एक डॉक्टर मनोज चोपड़ा जो है, जिन्होंने मेरा पूरा मेडिकल चेकअप किया और नथिंग वॉज फाउंड रॉन्ग, और वो सारा पता नहीं 20,000 से ज़्यादा का है, दे चार्ज मी नथिंग। इस तरह ही वहाँ पे मेरे दोस्त बन गए, अनिल कुलकर्णी, और फिर मुझे डर लग रहा है यार कोई ऐसा नाम तो नहीं रह गया जिसका जिक्र, संदीप जी जिनकी ओरिजिन पीछे से एक बलोच ट्राइब से है, वो मुझे उन्होंने अपना फ्रॉम नासिक पूना उन्होंने ड्राइव किया था। तो ये सारे दोस्तों का भी मैंने नाम ले दिया है। और जी, एक दोस्त का नाम आप भूल गए हैं मेरे ख्याल से, मेरे और आपके दोस्त हैं जनरल शर्मा, जो आपको यूएसए में होस्ट कर रहे हैं। जी जी, लेकिन मैं अभी दिल्ली में आ रहा हूँ ना। अच्छा, यहाँ से बेस बनी थी दिल्ली, और दिल्ली में मेरी जो स्टे है वहाँ पे राकेश वैद साहब हैं जो मेरे होस्ट हैं, उनका घर इज लाइक माई ओन। मतलब वो कहते हैं आप जितना चाहें जितनी देर रहना चाहें, यू स्टे हेयर एंड फ्रॉम हेयर यू ऑपरेट। तो जनरल अपना शर्मा जी के साथ भी मुलाकात होगी, मीटिंग की डेट भी वो सारी हमने कर ली है। इस तरह करके मेरे वहाँ पे दोस्त हैं हरबंस मुखिया, उनको मैं जाके मिलूंगा, और शमसुल इस्लाम साहब हैं, और कई और दोस्त हैं जिनसे मुलाकात, अमित कविश हैं उनसे मुलाकात होगी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग द फ्रेंड्स विच आई कुड नॉट वाइल ट्रैवलिंग। दिल्ली बेस तो बनी, लेकिन वो उसकी अपने वहाँ पे बहुत सेरेमनीज की अपना राकेश वैद ने, उनकी एक बहुत बड़ी मुखटंडन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्टिस्ट को और आर्टिजान्स को और लेडीज़ को उनके जो आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट करने में मदद करती हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं। और इस तरह करके वहाँ पे वो जो है हॉलीवुड के बॉलीवुड के सॉरी सिर्फ मुझे मिलने के लिए, और वो राकेश जी के बहुत दोस्त हैं रंजीत बेदी जी, मशहूर विलन, बट सच ए काइंड स्वीट मैन, जैसे प्राण जी के मुतलक सुना था ना कि पर्सनली ही इज अ जेंटलमैन, और सो आई फाउंड ये रंजीत बेदी जी। फिल्मों में जो कैरेक्टर है वो एक और बात है। अच्छा एक बात बता दूं, पहले राउंड में, अब क्योंकि एकदम फिल्म चल रही है तो कुछ नाम शायद भूल जाए तो फिर मुझे बड़ा दुख होगा, मुंबई भी मैं जा चुका हूँ, वापसी पे भी जाऊँगा। अच्छा, वहाँ पे रंजन खन्ना साहब जो उनकी फैमिली लाहौर से है,
मैं उनका मेहमान था, उनकी फैमिली, ये उनके दोस्त आए, और उन्होंने जब बताया सुभाष घाई साहब को कि मेरी किताब आई है प्री पार्टीशन पंजाब्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, तो वहाँ पे बड़ा आलीशान एक वो फंक्शन हुआ जिसका जिसपे वो सुभाष जी भी बोले और राजन जी भी बोले, साथ साथ मैं अपने दोस्त जो हैं इरफान इंजीनियर, इनके वालिद असगर अली इंजीनियर बहुत इस्लाम के स्कॉलर थे, उनका मैं मेहमान रहा 2 दिन, और मेरे एक बहुत पुराने पुराने दोस्त हैं सुजीत भट्ट और प्रियंका जी, उनके पास आई स्टेड। तो अब आई होप एज आई गो अराउंड एंड द फिल्म इन माय माइंड हैज नॉट मिस्ड माय होस्ट एंड माय क्लोज फ्रेंड्स और जिनको मैंने मिलना है। अरविंद तुम यकीन करो अच्छा। मैंने इतना इंटरेस्ट देखा है। हाँ एक और बात बिफोर आई फॉरगेट, इन इन पुणे रंजीत जतर और उनकी बेगम जो हैं उन्होंने घर बुलाया, वहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग आए हुए थे होल्डिंग इम्पोर्टेंट पोजीशंस, और रंजीत जी के जो फादर हैं 90 years old ही हैड फॉट इन द 1965 वॉर एंड ऑल, एंड व्हाट अ जेंटलमैन, ही सेड आई हैव नो मैलिस व्हाट्सोएवर, द सोल्जर फ्रॉम पाकिस्तान वाज डूइंग हिज ड्यूटी, आई वाज डूइंग माय ड्यूटी, दैट्स व्हाट वी हैड टेकन अवर करियर्स फॉर। इतनी एनलाइटेंड बातें हुई वहां पे। अब मुझे लग रहा है कि आई एम नॉट मिसिंग एनीवन, क्योंकि बाद में होगा ये कि खत्म जब हो जाएगा तो मुझे दुख होगा कि यार इस पूरी कहानी में मैंने एक बड़े सज्जन का नाम भूल गया, लेकिन होपफुली नाउ द होल थिंग इज कवर्ड। व्हाट आई वांट टू टेल यू अरविंद, कि ये मेरी टॉक में मेरी जो आइडियाज हैं पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये पंजाब में तो जो जोश है वो हमें समझ आने वाली बात है, पाकिस्तानी पंजाब में भी लोग, मेरे दोस्त हैं प्रोफेसर मोहम्मद अजीम, वो बार बार कहते हैं कि सर आप कहें कि वीज़ा ख़त्म करें, अहमद रजा पंजाबी कि ये वीज़ा रिलैक्स करें, लेट पंजाबीज कम एंड मीट फॉर 1-2 years, देखो किस तरह ये पुरानी रंजिशें जो हैं वो मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाएंगी, और ठीक है दो मुल्क जो बन गए हैं हिस्ट्री का ये फैसला दोनों साइड को मानना चाहिए, जैसे यूरोपियन यूनियन में मुल्क नहीं है, तो हम दो मुल्क होते हुए भी हम जब चाहें एक दूसरे से कोऑपरेट करें, बल्कि आने वाले वक्त में अगर दोनों तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर प्रॉब्लम और जो आने वाले क्लाइमेट के थ्रेट्स हैं हम उनको बहुत बेहतर डील कर सकेंगे। अच्छा सर, जब आपसे बात हुई थी आज से तकरीबन 6 साल पहले, तो हमारे प्रोग्राम्स के अंदर बात होती थी राज कपूर साहब के लिखे हुए आपको जो उनका खत था, हमने उसका जिक्र किया। उसके बाद आप दिलीप साहब से भी मिलने गए, दिलीप कुमार हमारे मशहूर एक्टर जिनके पीछे तस्वीर भी लगी है। तो इस बार जब मुंबई जाना हुआ, आपको जब ये पता चला कि दिलीप साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके उनके मुतालिक कुछ बताएं प्लीज। हाँ ऐसे है कि जब 2001 में मैं आया था, जब मैं ये पंजाब वाली काम पे शुरू कर रहा था अभी प्रोडक्ट, तो तब मुझे मेरे दोस्त जो हैं दिल्ली से उन्होंने राज बब्बर जी का कांटेक्ट दिया था, फिर राज बब्बर जी वाज सो काइंड, बहुत उनको प्यार से मैं मिला और उन्होंने टाइम दिलवा दिया सुनील दत्त जी के साथ और दिलीप साहब के साथ। टाइम 20-20 मिनट का मिला था, जब मैं इनको मिला जाके तो 2.5-2.5 घंटे मीटिंग हुई, क्योंकि सारे पंजाबी में गुफ्तगू हो रही थी। सुनील दत्त जी तो हैं गुजरात अपना जेलम के और पिशौरी जो वो बोलते हैं ना जुबान, वो एक्चुअली हाँ इनको मुझे अपना 95% से ज़्यादा समझ आ रही थी। तो दिलीप साहब की शख्सियत और सुनील दत्त की शख्सियत, राज बब्बर जी के साथ फैसला हुआ था कि मैं मिलके 20 मिनट के बाद आऊँगा तब हम लंच करेंगे, और वो 2.5 घंटे के बाद जब मैं आया सुनील दत्त साहब को मिलके, तो उन्होंने तब तक लंच नहीं था किया, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो मेरा एक्सपीरियंस जब भी हिंदुस्तान में आया हूँ ये है कि यहाँ पे लोग एक तो पढ़ते बहुत ज़्यादा, आई थिंक
रीडिंग पब्लिक इन इंडिया, और मसलन 5-5, 6-6 न्यूज़पेपर्स महाराष्ट्र के अंदर है। वहाँ मैं एक बता दूँ, वहाँ पे जो है साधना एक अखबार है बहुत बड़ा महाराष्ट्र में पुणे में, वहाँ पे भी मेरा इंटरव्यू किया गया, उनकी एक वीडियो चैनल भी है। तो अच्छा है वो भी आपने मुझे याद दिला दिया है। उनके एडिटर साहब जो है ही वॉज वेरी काइंड, सारे वो कुलीग आए। तो जैसे जैसे ये दिन, अब मैं 7 मई का आया हूँ, तो एज आई टेल द स्टोरी आई कैन सी द फेसेस। मुझे पूना के अंदर व्हेन आई केम टू द होटल राजू जी के साथ, तो टू लेडीज मस्ट बी इन देयर लेट 40s और यंगर मिड 40s, एक ने मुझे पहचान लिया, महाराष्ट्रियन लेडी, और वही जो यहाँ पे है पाँव को हाथ लगाना ये वो, कि मैं आपके हर प्रोग्राम देखती हूँ, तो मुझे वॉच किया जाता है हर जगह। और इसका मतलब ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्यार और अमन की जो कंस्टिट्यूएंसी है बहुत बड़ी है। और पाकिस्तान में भी मैंने जाके देखा है कि जब लोगों से बात हो तो वो भी इसी सोच में है। तो अरविंद, जब तुमने मेरे साथ गुफ्तगू शुरू की थी, वो आज मैं समझता हूँ उसका पूरा फल अब जो है वो आ गया है। और हमें अब कोशिश करनी चाहिए कि इस आर्गुमेंट को, कि यार काहे के झगड़े हैं, आप बैठ, हाँ, उनको आप रिजॉल्व कर लें। मैंने एक स्कीम भी दी हुई है, मेरी नहीं है, कई लोग जो पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर बट ओपन टू द कश्मीरीज, ताकि कश्मीरियों को जो दरारें बनी हुई हैं वो ख़त्म हो जाए। बाद में उसी एक्सपीरियंस को हम पंजाब और सिंध में ले आए, तो ये पूरा सब कॉन्टिनेंट दोबारा एक कल्चरल जो उसकी आइडेंटिटी है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, बाय द वे, सही, पंजाबी नॉन पंजाबी सब बेसिकली एक ही कल्चर का, बहुत बड़े कल्चर का प्रोडक्ट है। मज़हब और ज़ुबानें उसमें एक और रंग ले आती हैं, तो इनको पॉजिटिव चीज़ें देखना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। 2018 में एक इंटरव्यू के दौरान आप गिला कर रहे थे कि अरविंद मुझे वीज़ा नहीं मिला हिंदुस्तान जाने का, तो मैंने आपसे कहा था कि सर अभी तो लोगों ने आपको जानना शुरू किया है, बहुत कम लोग हैं मेरे जैसे जिन्होंने आपकी किताब पढ़ी है, वो जानते हैं कि डॉक्टर इश्तियाक अहमद कौन है, इंसानियत के लिए उनके सीने में क्या दर्द है, दोनों मुल्कों की आवाम को वो कैसे देखना चाहते हैं, हमारे ताल्लुकात को वो कैसे देखना चाहते हैं, लेकिन आम जो हमारे हुक्मरान हैं, आवाम हैं, वो नहीं जानते आपको। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं हमारे, इनके जरिए लाखों लोग आपको जानेंगे, तो आप बहुत आपदीदा हो गए थे उस दिन, मैं भी रोने लगा था, बड़ा इमोशनल वो माहौल था। बहरहाल आज बड़ी खुशी हो रही है आपको हिंदुस्तान में देखते हुए। मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है इंडियन गवर्नमेंट को कि हमारे दोस्त हैं राणा मोहम्मद अजहर, मैं 90 साल के नजदीक हो चुका और मेरा शायद लास्ट चांस है, फिर मेरे को इन वक्त नहीं होना। मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट और आवाम जेड़े के इंडियन हुनो इंडियन आवाम हो गए और असी पाकिस्तानी आवाम हो गए, हालांकि असी तो एक ही हैं। हाँ जी हाँ बिल्कुल, ते मेरी अपील है कि मैनू एक दफ़ा वीज़ा दिता जाए थोड़े अरसे वास्ते, कि मैं अपना घर मोहल्ला बाजार गलियां स्कूल फुटबॉल दी ग्राउंडा अपने खेत सारा कुछ देख लवा, कोई ऐसा बंदा जिहड़ा मेरे हम उम्र होवे, वो तो शायद पता नहीं जिंदा होवे या नहीं होवे, मैं नहीं कह सकता, कोई मैनू पहचाने या ना, लेकिन गलियां तो कम अज कम मैनू पहचान लैणगी, पहचान लै, एक बच्चा हुंदा सी इत्थे एक खेलना होंदा सी, मैं वो गलियां जरूर देखनियां चाहुंदा मरण तो पहले एक दम। मेरी रिक्वेस्ट है कि दिल नरम करो अपना, एडे सख्त ना हो, आखिर असीं इक्को ही हैं, इक्को ही तो सब कुछ हैगा, कोई
ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ। बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ जी उनकी जब भी बात होती है। 95 ईयर्स से ज़्यादा की एज हो गई अब तो राणा साहब की, और अपने अपने वतन को, अपनी मिट्टी, अपने गांव को देखते हुए जिस तरह से जिक्र करते हैं तो बहुत ही गेट्स वेरी इमोशनल। उन्हें इजाजत, उन्हें वीजा देना चाहिए। मेरी भी बहुत इंडियन गवर्नमेंट से ये विनती है कि प्लीज गिव द वीजा टू राणा मोहम्मद अजहर साहब एंड लेट हिम गो एंड सी हिज होम टाउन जहाँ पे उनका बचपन गुजरा और उनके बुजुर्ग वहाँ पे, उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम सिख बन हिंदू मुस्लिम स्कूल बना था। इनके बुजुर्गों ने ज़मीनें दी थी और वहाँ पे एक पंडित जी थे जिन्होंने पैसा दिया था जिसके बाद वो स्कूल बना था और वो मिसाली था। उसका नाम ही था हिंदू मुस्लिम हाई स्कूल। राणा साहब वहाँ के पढ़े हुए हैं। ऐसा ही है सर। तो मैं ना कहता था आपसे कि सर आप शुरुआत करें और देखना एक के बाद एक बहुत सारे लोग हैं हमारे जैसे हम ख्याल जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, वो हमसे खुद ब खुद जुड़ते चले जाएंगे। आरएसएस की बड़ी बात होती है पाकिस्तान के अंदर, आप तो आरएसएस के जो आइडियोलॉग्स हैं उनसे भी मिले, थोड़ा सा ये बताएं कैसी रही वो मुलाकात। नहीं, मेरी तो उनके टॉप के जो लोग हैं नासिक के अंदर एंड दे आर प्लेस्ड हाईली इन सोसाइटी, स्कॉलर्स और सर्जन्स, सम पीपल रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स, ये वो सारे वेरी सिविलाइज माहौल में बात हुई और कोई दो तीन घंटे हम डिस्कशन करते रहे। उनके सवाल जो थे वो यही अबाउट टेररिज्म के, हम कैसे कभी रिस्क ले सकते हैं कि जब भी कोशिश की गई, और वाजपेयी साहब गए थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे वहाँ पे जो फिर हुआ, तो आपकी बातें अपनी जगह शायद दुरुस्त हैं लेकिन हाउ कैन वी ट्रस्ट द पाकिस्तानी स्टेट। तो मैंने कहा देखें, टेररिज्म जब तक भी होगी और जो भी करेगा तब तक दोस्ती नहीं हो सकती, और जो चाहते हैं कि इन दोनों मुल्कों में नॉर्मलाइज हो जाएं रिलेशंस, उनको अपने इन नेटवर्क्स को ख़त्म करना पड़ेगा। सो देयर आरएसएस और एनीवन एल्स, मैं आई एम टोटली एग्रीड। मैंने तो उन्हें ये भी कहा कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहुत बड़ा हामी हूँ, क्योंकि मैं मुसलमानों को भी इसमें एक्सक्लूजन की बजाय इंक्लूजन के हक में हूँ। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे डिस्कस हुआ। दे वर वेरी पोलाइट, लिसन टू मी विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, और वो सब कहते हैं हम आपके वीडियोज देखते हैं। वह नासिक के अंदर लीडिंग पीपल आरएसएस और वेरी कल्चर्ड पीपल, खुल के बातें हुई, मजाक भी हुआ, और सो वी हैड अ ग्रेट टाइम। मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान की सियासत पे तो मैं आई डोंट वांट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, लेकिन पढ़े लिखे लोग कहीं भी होंगे ना, दे विल अंडरस्टैंड व्हाई इंडिया पाकिस्तानी पाकिस्तान पीस इज गुड फॉर ऑल। शायद लगता है कि इंडिया कैन डू विदाउट पाकिस्तान, जो साबित भी हो रहा है, उसकी इकॉनमी आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी एक लाइन ऑफ कंट्रोल पे टेंशन, कभी कभी कुछ लोग घुसपैठ जो है वो आके इधर इंडियन सोल्जर्स को मार भी देते हैं। ये जीरो टॉलरेंस फॉर दैट। ये चीज़ें जब ख़त्म होगी तो फिर दोस्ती की बुनियाद जो है बढ़ेगी और पाकिस्तान विल बी द मेन गेनर। इंडिया की तो कामयाब जा रही है इकॉनमी, पाकिस्तान इज बैंकक्रप्ट, और पाकिस्तान के लोगों को सजा नहीं ना मिलनी चाहिए, मैं समझता हूँ। बिल्कुल सर, ये तो हमारी बदमाश कैरेक्टरलेस एलीट है जिसने ना कुछ प्लान किया लोगों के लिए, ना उनको कोई फ्यूचर दिया, और पाकिस्तान से हर बंदा पासवर्ड लेके भागना चाहता है। ये तो इंडिया में नहीं है। इंडिया में मुझे कई लोग मिले जो यूरोप में काम करके वापस आ गए हैं, यंग पीपल, सो दे से ही अ फ्यूचर इन इंडिया, जो कि बिल्कुल बरक्स है पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान की जो एलीट है, रूलिंग एलीट, वो स्टैंड्स कंडेम्ड इन द कोर्ट ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने अपने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। हिंदुस्तान में जो भी है, जब मैं लास्ट टाइम आया था और अब, मुझे तो इतनी ज़्यादा
इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है एवरीबॉडी एग्रीज जो ये फैला रही है, सो इंडिया इज गोइंग टू टेक ऑफ एक वो डब्ल्यू रुस्टोफ की थ्योरी है द टेक ऑफ वे सोसाइटीज टेक ऑफ फ्रॉम द बेसिक इंडस्ट्रियल देन दे बिकम ग्रेट इंडस्ट्रियल पावर्स. तो आई से इंडिया इज इन दैट स्टेज. दे कुछ लोग तो कहते हैं जी वी हैव टेकन ऑफ, और एज आई वुड से कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है, देखें जो भी आपकी हुकूमत होती है उसका हिंदुस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सब मद्देनज़र रखते हैं. फिर सियासत में जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन, झगड़े, इल्ज़ाम तराशी होती है वो आज की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिस्सा है, उसको नॉर्मल समझ लें आप. मैं वैसे ये पैगाम मैंने आरएसएस को भी दिया कि देखें हमने एक रिलीजियस स्टेट बना के अपना सत्यानाश कर लिया है. आई होप कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो एक सेकुलर इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक है इसके अंदर आप अपना फ्रेमवर्क के अंदर ही जो भी चाहते हैं चेंजेस लाना वो लाएं, और हिस्ट्री में अगर इम्बैलेंस है तो करेक्ट करें, लेकिन एक और इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए कि मुसलमान की एक्सक्लूजन होनी शुरू हो जाए, और वो फिर अल्टीमेटली इट वुड नीड करेक्शन बिकॉज सच सच होता है और उसका जिक्र फिर लोग ले आते हैं. जैसे पंजाब की पार्टीशन की हकीकत मैं लेके आया, और जिन्ना साहब की सियासी ज़िंदगी पे मेरी किताब जो है वो उसकी वजह से सारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में मुझे बुलाया गया. तो जो है ना स्कॉलर्स वो इसका ऐसा काम करके फिर इस किस्म की डिस्टॉर्शंस को जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं, मतलब इंटेलेक्चुअली स्पीकिंग. उसका पॉलिटिकल यूसेज तो इन चीज़ों का होता रहता है. तो अरविंद यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प, एक्चुअली यू हैव इनिशिएटेड दिस प्रोसेस एंड लेट्स कंटिन्यू दिस इन द फ्यूचर एज वेल. ठीक है, एब्सोल्युटली सर. एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. पंजाब के अंदर आप बहुत सारे शहरों में जा चुके हैं, अभी कुछ शहरों में आपने और जाना है, बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात हुई. क्या आप महसूस कर रहे हैं कि लोग अब 1947 के जो फसादात थे, हमारा जो बंटवारा हुआ उसकी यादों को भूलकर आगे अमन का, दोस्ती का, मोहब्बत का पैगाम क्या आपको इस वक्त मिल रहा है? और अगर हाँ तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, और फिर ये भी बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे कि आपको ईस्ट पंजाब में कैसा रिसेप्शन मिला है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे लिए अगर मैं टॉस करूँ कि कहाँ मुझे, मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तानी पंजाब और पाकिस्तान में भी तो होके आया हूँ, बिल्कुल, कहाँ मुझे ज़्यादा प्यार और मोहब्बत मिली है, तो मुझे लगता है कि इंडिया मे बी कैन विन हैंड्स डाउन, लेकिन ये ज़्यादती होगी पाकिस्तान में क्योंकि बेचारों के पास ना नौकरियाँ हैं ना वो रिसोर्सेज हैं, लेकिन जितने पढ़े लिखे लोग थे वो हर जगह मुझे बड़ा डिसेंटली मिले हैं. तो पाकिस्तान एक एक कमज़ोर पार्टनर एक है, इंडिया कामयाब है, इतना इतना प्यार, इतना, और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पाकिस्तान से बहुत बेहतर है इन हालात में. तो आई थिंक दिस हैज बीन अ ग्रेट ग्रेट ओकेजन. मैं जो आया हूँ दोनों पाकिस्तान के लोगों को आप क्या पैगाम देंगे हिंदुस्तान में बैठे हुए, जो रिसेप्शन आपको मिला है, जाहिर सी बात है बंटवारे के ऊपर भी बात हुई है और उसके बाद से लेकर अब तक लोगों में ये रिकंसिलिएशन का, मुफाहमत का, सुलह का जो प्रोसेस है उसे लेकर कितनी संजीदगी आपको दिखाई दे रही है हमारी तरफ, और क्या आप चाहेंगे कि वही संजीदगी पाकिस्तान की तरफ भी हो? हाँ हाँ, ये महल सारा मैंने जो तुमसे बात की है वो यहाँ लोगों की संजीदगी के, अमन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, वीजा कंट्रोल जो है वो रिलैक्स होना चाहिए. कम से कम आप ट्राई तो करके देखें यार. मैंने एक दो तीन महफलों में कहा भी है कि यार टेररिस्ट वीज़ा लेकर तो नहीं ना आते, ये तो शरीफ लोग आते हैं. एक हेडले ने इसको मिसयूज़ किया था तो सारे पाकिस्तानियों को उस बुनियाद पे आप जो एक प्रोसेस बना दिया उससे ये एक अननेचुरल सी बात है जो हम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. तो अवाम की तो बात हम कर चुके हैं, अब तो है गवर्नमेंट्स. They should take the risk, they take the initiative and try to bring people together. ठीक है, बहुत खूब.
सर, उम्मीद करता हूं कि आपका आगे का जो हिंदुस्तान में स्टे है वो और भी अच्छा जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप मिलें, यूं ही अमन की मोहब्बत की बातें करते रहें और एक अच्छी छाप छोड़ के हिंदुस्तान से जाएं ताकि लोग आपको याद रखें आपके जाने के बाद भी, और कोशिश करेंगे कि किसी रोज इस पूरे इनिशिएटिव को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम को आपस में मिलाकर हम पूरा कर सकें। आज आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी जी। टेक केयर अरविंद, ऑल द बेस्ट।